तो आज का हमारा ये व्याख्यान विशेष तौर पर संगीत का क्रमबद्ध विकास, या हम कहें एवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक, इसको इस पर आधारित है। तो आज के व्याख्यान में हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि संगीत क्या है। यानी हम जब संगीत की बात करते हैं तो अपने आप ही हृदय में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो ये संगीत क्या है? संगीत को हम कहें तो संगीत एक सम्यक गीतम, यानी भली भांति गाया हुआ कोई गीत। अब हम ये कहें कि भली भांति गाया हुआ कोई गीत, इसके लिए कोई गीत को गाना ज़रूरी है? ऐसा नहीं। संगीत प्रकृति में प्रारंभ से, यानी जिस समय मनुष्य इस धरती पर उसका जन्म हुआ, या हम कहें कि जब भी प्रकृति अपने आप में संगीत को समेटे हुए है और मनुष्य को उसका पता, या मनुष्य उससे वाकिफ कैसे हुआ जब वो इस धरती पर आया। और ये कहा भी जाता है कि जितनी पुरानी मनुष्य की सभ्यता की का इतिहास है, उतना ही पुराना संगीत है। वैसे भी कहा जाता है, म्यूज़िक इज़ एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। द एवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन। इट इज़ अ सोर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। कितनी सुंदर बात कही है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। यानी हमारे जो भाव हैं, हमारे भावों की जो अभिव्यक्ति है, वो संगीत के द्वारा होती है। और संगीत मनुष्य मानव सभ्यता के साथ ही आगे बढ़ा। तो हम कहें कि संगीत प्रकृति में पहले से विद्यमान था, बिल्कुल सही। हम नदियों की कलकल में संगीत पाते हैं, हम पक्षियों की चहचहाहट में संगीत पाते हैं, वातावरण में, जहाँ तक कि पवन के चलने से विभिन्न हम जिस प्रकार से पढ़ते भी हैं, हमने इस प्रकार से बहुत से वाद्यों का निर्माण भी मनुष्य ने किया है। तो जब ये वायु जो है बांस के जो अलग अलग बैम्बूज जो होते हैं उसके अंदर से जब पास होती है, अंदर से जब ये वायु जाती है, तो वहाँ एक बांसुरी की सी बहुत मधुर ध्वनि जो है उसको उत्पन्न करती है। तो ये एक प्रकृति में संगीत का विद्यमान रहना अपने आप में एक अजूबा है। यह हम कहें कि ईश्वर की एक बहुत बड़ी जो है वो कृपा है, कि जिसे हम आनंद जिसका लेते हैं। और मनुष्य को तो पता भी नहीं चला कि कब संगीत उसके भीतर रचता और बसता चला गया। इसीलिए इसी संगीत को उसने एक माध्यम बनाया अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, चाहे वो खुश हो, चाहे वो शोक में हो, चाहे वो बहुत चंचलता महसूस कर रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव हो, एनी टाइप ऑफ इमोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। तो हम जब इस संगीत की बात करते हैं, भावों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो बहुत से बड़े बड़े दार्शनिकों ने बहुत बहुत सुंदर बातें कही हैं। और जिस प्रकार से को उदाहरण लेते हैं कि एरिस्टोटल जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा, इमोशंस ऑफ एनी काइंड आर प्रोड्यूस्ड बाय मेलोडी एंड रिदम, देयरफॉर बाय म्यूजिक मैन बिकम्स एक्सटम्ड टू फीलिंग द राइट इमोशन। म्यूजिक दस हैज़ द पावर टू फॉर्म द कैरेक्टर एंड द वेरियस मोड्स मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। यानी मनुष्य के चरित्र का निर्माण, उसमें भी जो है संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, संगीत की हम बात करते हैं तो शायद कोई भी ऐसा मनुष्य जो है वो नहीं मिलता, या मैं नहीं समझती किसी भी मनुष्य को संगीत जो है वो उसके हृदय को न छुए, उसके हृदय में स्पंदन न उत्पन्न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन बातों को जब हम अनुभव करते हैं, हम किसी भी प्रकार की हमारी भावनाएं जो हैं, हमारी अभिव्यक्ति जो है उसकी होती है, वो संगीत के द्वारा बहुत सरल तरीके से होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सरल माध्यम जो है वो संगीत है।
संगीत न केवल हमें आनंद की अनुभूति कराता है, बल्कि संगीत से हम एकाग्र होते हैं। एकाग्रता से हम अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। हमारे मन की चंचलता जो है या मन का भटकना जो है वो भी कम होता है, उस पर भी हम काबू पाते हैं। और हम एकाग्रता की बात करते हैं तो एकाग्र होकर अपने किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। इसीलिए संगीत को एक थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पता ही नहीं चलता कब एक थेरेपी के रूप में जो है संगीत जो है हमारे भीतर अपने आप ही बहुत सी चीज़ों से जो है हमारा उपचार करता है। तो संगीत की बात करते हैं और इस संगीत के लिए संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव, जो कि एक बहुत महान विद्वान रहे भारतीय संगीत के क्षेत्र में, और इनका ये जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, ये न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी इस ग्रंथ को जो है एक आधार ग्रंथ लिया जाता है। और उन्होंने कहा है, गीतम वाद्यम नृतम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गीतम गीत वाद्यम वादन और नृत्य, ये तीनों का समन्वय जो है वो संगीत है। कितनी सुंदर परिभाषा कही है। संगीत को हम देखें तो हम उसको कहते हैं एक ध्वनि से उसको हम जोड़ सकते हैं, यानी साउंड। और ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को हम यदि इस प्रकार से लें कि हम कहते हैं कि जो ध्वनि संगीत के लिए उपयोगी होती है ध्वनि, उसको हम कहते हैं नाद। यानी संगीत उपयोगी कोई भी ध्वनि नाद कहलाती है। और नाद के अलावा दूसरी जो ध्वनि है उसको हम संगीत को उपयोगी नहीं मानते, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक तरह से कोलाहल है। तो हम जब संगीत इस ध्वनि की बात करते हैं कि भाई ये संगीत किस प्रकार से उपयोगी है, कौन सी ध्वनि उपयोगी है, यानी जिसको सुनकर जो है मन को कोई विशेष अनुभूति होती है, उसे हम कहते हैं नाद। हम आगे नाद के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ हम ध्वनि की बात करते हैं, यानी सांगीतिक ध्वनि की बात करते हैं, तो ये सांगीतिक ध्वनि यानी जो साउंड्स हैं उसमें से कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ जो हैं उनको स्वर कहा गया है, और इनको नोट्स कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो स्वर जो हैं, ये स्वर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि प्रकृति से स्वयं स्वर जो है वो उत्पन्न हुए हैं। और ये जो ध्वनि है, जो भी संगीतात्मक ध्वनि यानी संगीत के लिए जो उपयोगी ध्वनि है, उसको तो हम वहाँ से हम स्वरों की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन जो अन्य ध्वनि है उसको हम कोलाहल कहते हैं या नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है स्वरों की। स्वरों में एक निरंतर एक ध्वनि जो है जब आंदोलन जो है उसको प्रोड्यूस करते हुए चलती है तो वो कानों को अच्छी लगती है, ऐसी ध्वनि जो है वो स्वर कहलाती है, जिसमें एक निरंतरता हो, जिसमें एक जब हम कहते हैं कि साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, ध्वनि जो है वो चल रही है, उसकी वाइब्रेशन उसके आंदोलन जो है उसकी निरंतरता जो है वो स्वरों की उत्पत्ति करती है। जहाँ पर ये निरंतरता में अनियमितता हो या हम कहें कि एक तरह से बैलेंस ना हो, ध्वनि आ रही है जा रही है आपस में कोई एक निरंतरता उसमें नज़र नहीं आती, तो ऐसी ध्वनि जो कर्ण को प्रिय ना हो यानी हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है उसको हम कहते हैं कोलाहल, अंग्रेजी में इसको नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। अब जो स्वर हैं इन स्वरों पर आधारित है संगीत। स्वर जो हैं ये दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से, एक शुद्ध स्वर और दूसरे हैं विकृत स्वर। शुद्ध स्वर यानी जब स्वर जो है अपने स्थान पर लगता है, यानी जहाँ पर उसका स्थान निश्चित है उस पर हम उस स्वर को गाते बजाते हैं, वहीं वह सुनाई देता है। और जिस पर हम ये कहें कि ध्वनि की निरंतरता जहाँ पर नज़र आती है, जहाँ पर एक निश्चित वाइब्रेशन पर जो है वो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, वो स्वर है। और ये जो स्वर है इसके दोनों जो प्रकार हैं शुद्ध और विकृत,
शुद्ध का अर्थ है जहाँ पर उसका जो स्थान है, स्वर का जो स्वरूप है, वो उसी रूप में उसी स्थान पर जो है स्वर जो है वो गाया या बजाया जाए। विकृत स्वर यानी जहाँ पर विकार आता है, स्वर जब अपने स्थान को छोड़कर आगे या पीछे की तरफ चला जाता है तो उसको हम कहते हैं उसमें विकार आना यानी विकृत होना। इन दोनों प्रकारों को चल और अचल स्वर भी कहते हैं, यानी शुद्ध स्वर अचल स्वर जहाँ पर कि जो अपने स्थान पर स्टिक हो, जो अपने स्थान पर ही मिलेंगे। विकृत यानी चल, चलना कहाँ, या तो आगे या पीछे। तो इसका मतलब अपने स्थान से जब कोई स्वर पीछे की तरफ खिसकता है या थोड़ा नीचे की तरफ खिसकता है उसको हम कोमल स्वर कहते हैं, और जब वही स्वर अपने स्थान से आगे की तरफ जाता है तो हम उसको कहते हैं तीव्र स्वर। तो कोमल और तीव्र, कोमल स्वर के लिए फ्लैट नोट्स ये अंग्रेजी में कहा गया है, और तीव्र के लिए हम कहते हैं शार्प नोट। तो ये कोमल और तीव्र जो प्रकार है स्वरों के, इनको विकृत कहा जाता है। कोमल स्वरों में हम जब स्वरों की बात करते हैं तो कोमल स्वर जो है वो सप्तक के, पहले हम सप्तक के सात स्वरों की बात करते हैं। शुद्ध सात स्वर जो है वो हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सा के लिए षड्ज नाम दिया गया है, रे को ऋषभ, ग को गांधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत और नी को निषाद। अब ये जब सातों स्वर अपने स्थान पर होंगे तो शुद्ध होंगे। जब इनमें से स्वर अपने स्थान से थोड़ा नीचे की तरफ खिसकते हैं तो हम उनको कोमल कहते हैं। तो कोमल स्वर जो है इन सातों स्वरों में से रे, ग, ध और नी, यही चार स्वर हैं जो अपने या तो स्थान पर मिलते हैं यानी शुद्ध होते हैं, और अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं यानी कोमल होते हैं। तो ये चारों स्वर या तो शुद्ध मिलेंगे या कोमल मिलेंगे। मध्यम एक ऐसा स्वर है जो या तो अपने स्थान पर मिलता है यानी शुद्ध होता है, या अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकता है यानी वो तीव्र हो जाता है। तो मध्यम एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे कि तीव्रता दी गई है। तो इस प्रकार से सात शुद्ध स्वर जिन्हें कि हम इनके नाम जैसे मैंने आपसे कहा, और इनमें से पांच विकृत स्वर यानी रे, ग, ध, नी और म, ये पांच विकृत स्वर कुल मिलाकर 12 स्वर, और इन्हीं 12 स्वरों पर पूरा विश्व का संगीत जो है वो आधारित है। हम कुछ भी गाएं, हम कुछ भी बजाएं, कोई भी संगीतिक रचना हम उसको प्रस्तुत करें या हम सुने, तो इन 12 स्वरों का ही खेल है। इन 12 स्वरों में ही जो है पूरा संगीत आधारित है। मैं एक बात कहूँगी कि षड्ज यानी सा और प, पंचम, ये दो एकमात्र ऐसे स्वर हैं जो कभी भी अपना स्वरूप जो है वो नहीं बदलते, यानी कि वे हमेशा शुद्ध रहते हैं। अब संगीत की बात करते हैं। संगीत, हम संगीत को जब भारतीय परिदृश्य के आधार पर उसकी व्याख्या करेंगे तो यह हम अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में संगीत को हम मुख्य तौर पर चार भागों में बांटते हैं। पहला भाग है क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत, दूसरा है सेमी क्लासिकल यानी उपशास्त्रीय संगीत, तीसरा है लाइट म्यूजिक यानी सुगम संगीत, और चौथा है फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत। क्लासिकल शास्त्र यानी कि शास्त्र से बंधा हुआ संगीत, शास्त्रीय संगीत। हम केवल भारतीय संगीत की बात नहीं, हम यदि पाश्चात्य संगीत की बात करें तो वहाँ पर भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही जो है वो पसंद किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। और हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत में शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक मुख्य स्थान रखता है, अपने आप में विशेष है और शास्त्र से बंधा हुआ यानी नियमों से बंधा हुआ है जिनको हमें लगातार उसको फॉलो करना है। अब सेमी क्लासिकल की बात करते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा या कुछ। क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत का कुछ ऐसा भाग
जो कि उसकी शास्त्रीयता से थोड़ा सा अलग हो, यानी हम ऐसा संगीत जिसमें कि शास्त्रीय पक्ष जो है उससे थोड़ा बहुत जो है उसमें लीनियंसी कहें, या थोड़ा बहुत उसको उसमें हम प्रयोग के रूप में एक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम इधर उधर नियमों को कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है लाइट म्यूजिक, यानी सुगम संगीत, ऐसा संगीत जो गाने बजाने में बहुत सुगम हो, यानी उसमें नियमों का, सुगम का अर्थ है कि नियमों को फॉलो करें या न करें वो आपकी मर्जी है। जो भी संगीतकार उस संगीत को बना रहा है या संगीतबद्ध कर रहा है किसी भी रचना को, वो उसमें सिर्फ केवल ये देखे कि वो क्या बना रहा है या किस प्रकार की रचना कर रहा है जो उसको अच्छी लग रही हो या सुनने वाले को अच्छी लगेगी। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि नियमों के साथ चले, वो नियमों को थोड़ा बहुत पालन कर सकता है यदि उसे ऐसा लगता है तो, यानी प्रयोग करने का यहाँ पर ज़्यादा जो है स्कोप है। अगली श्रेणी आती है फोक म्यूजिक, यानी लोक संगीत, यानी लोगों का संगीत, वो संगीत जो हमारी सभ्यता संस्कृति में अपने आप आया, जो बिल्कुल लोगों से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के बीच से निकला, जिसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सोच परख कर कोई चीज़ या स्वरों का जो है कि संरचना या शब्दों की संरचना हम कहें, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई नियम नहीं है, वो एकमात्र लोगों को जो अनुभव हुआ, लोगों को जो लगा, उसको अपने सरल शब्दों में जो है उस प्रकार का संगीत बनाया। और वैसे भी पहले के समय में लोग इन लोकगीतों से ही अपना मनोरंजन करते थे, और इसीलिए ये लोकगीत उनकी नित्य जीवन शैली, यह हम कहें कि दैनिक दिनचर्या से बहुत कुछ जुड़ी हुई थी। और इन लोकगीतों में ऐसे साहित्य का जो है वो बखूबी भरमार जो है स साहित्य की हमें दिखाई देती है। तो ये तो थे चारों अलग अलग तरह के संगीत के चार प्रकार, जो कि आप सुनते हैं या आप गाते हैं तो आप स्वयं उसमें पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का संगीत है। लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी बात है जो इन सभी प्रकारों में मिलती है, वो है कि इस प्रकार का संगीत सुनकर मन को अच्छा लगना चाहिए, यानी चित्त का रंजन होना चाहिए, कानों से ये हमारे हृदय को स्पंदित करना चाहिए, इस प्रकार का संगीत होना ज़रूरी है, वरना वो संगीत नहीं है। मैंने कहा कि वो एक प्रकार का कोलाहल कहें या एक प्रकार का ऐसी ध्वनि कहें कि जिससे हमारे हृदय को आनंद न मिलकर शायद कहीं हमें वो डिस्टर्ब करता है। तो ये तो थे कि संगीत के चार प्रकार। अब हम बात करते हैं, जब हमने संगीत की बात करी तो उसमें हम कहते हैं कोई भी संगीतात्मक या कोई भी संगीत उपयोगी ध्वनि, एनी साउंड विच इज़ यूजफुल फॉर द पर्पज़ ऑफ म्यूज़िक, तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, नाद। नाद हम अक्सर कहते हैं नाद ब्रह्म, तो ऐसी ध्वनि जो संगीत के उपयोगी हो वो नाद है, यानी कि उसमें साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो उसमें एक सीक्वेंस है, उसका एक क्रमबद्धता, एक नियमितता है, रेगुलरली वो साउंड वेव्स जो वो ट्रेवल करती हैं। और यदि ये नियमितता नहीं हो, ये रेगुलरिटी नहीं हो, और कहीं ना कहीं वो एक डिस्टर्बिंग से महसूस हो, तो ऐसी ध्वनि को हम नाद नहीं कहते, ऐसी ध्वनि नॉइज पॉल्यूशन है, जो कि हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमको जो है वो एक डिस्टर्ब करती है। तो नाद की बात करते हैं। नाद दो प्रकार के मुख्य तौर पर हैं, एक है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। आहत और अनाहत, आहत नाद जो कि जब उस वो नाद की उत्पत्ति हो रही हो तो वो हमें समझ में आ रहा है कि ये नाद हमारे सामने तबला वादन से वो नाद की उत्पत्ति है, या बांसुरी से उत्पत्ति है, या कोई कंठ संगीत से उत्पत्ति है, यानी कि कोई गा रहा है या कोई बजा रहा है, तो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई और सुनाई दे रहा है, या हम कह के सुनाई दे रहा है। हम आजकल
यूट्यूब का ज़माना है, आजकल हम रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, तो हम सुन रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि ये नाद जो है, ये अमुक व्यक्ति जो है वो इस गीत को गा रहा है, तो कहाँ से नाद पैदा हो रहा है, कहाँ से नाद की उत्पत्ति हो रही है, हमें वो पता है, हमें वो दिख रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि नाद की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। तो ऐसे नाद को हम कहते हैं आहत नाद। और अनाहत नाद, अनाहत नाद जो है वो ब्रह्मांड में विद्यमान एक संगीत है जिसे ईश्वर का संगीत कहा जाता है, जो निरंतर गूंज रहा है, लेकिन साधारण मनुष्य को वो नहीं सुनाई देता। वैसे भी कहते हैं कि ये संगीत हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन उसको ये सुनाई नहीं देता, क्योंकि ये बहुत तपस्या के बाद, साधना के बाद जो है तपस्वियों को, ऋषि मुनियों को, या जो इस स्टेज पर आ गया है, जो कि वो उसे वो अपने साधना में ही रहता है, उसको ही ये अनाहत नाद यानी ईश्वर का संगीत सुनाई देता है। इस संगीत का जो एक ध्येय है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और आहत जो नाद है वो कहते हैं कि इसी अनाहत नाद का एक एक पाठ है जो कि जिसका आनंद हम मनुष्य उठाते हैं, जो इसका जिसको हम उसमें उसको सुनकर, उसको गाकर, उसको बजाकर जो है वो रंजकता का अनुभव करते हैं। नाद की तीन विशेषताएं हैं। पहला है कि नाद का छोटापन और बड़ापन, दूसरा है नाद की ऊंचाई निचाई और ऊंचाई, तीसरा है नाद की जाति, इसे मैग्नीट्यूड, पिच और टिम्बर कहा जाता है। जब हम किसी नाद को जो है थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे या हम गाते हैं तो हम उसको थोड़ा ज़ोर से गाएंगे तो हम कहते हैं कि नाद का छोटा, यानी साउंड वेव्स उतनी ज़्यादा ट्रेवल करती हैं तो उतनी दूर तक वो सुनाई देगी, तो हम कहते हैं नाद का जो है बड़ापन। और जब हम धीरे से गाएंगे तो नाद जो साउंड वेव्स है वो थोड़ी ही दूरी तक वो ट्रेवल करेंगी, तो इसे कहेंगे हमको वो धीमे सुनाई देगा, हम कहते हैं नाद का छोटापन, इसको मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में कहा जाता है। नाद का छोटापन और बड़ापन, उसके उसको किस वॉल्यूम पे उसको गाया बजाया गया हो उस पर आधारित होता है, ताकि साउंड वेव्स जो हैं वो कितनी ट्रेवल कर रही हैं उसके हिसाब से जो है ये मैग्नीट्यूड का जो है हमें पता चलता है। अब है नाद का जो है नीचापन और ऊंचापन, यानी पिच जिसे कहा जाए। हम अक्सर सुनते हैं कि भाई थोड़ा आपका पिच क्या है, तो हम कहते हैं मैं ए शार्प से गाती हूँ, या मैं बी से गाता हूँ, या मैं सी से गाता हूँ, या मैं जी शार्प से गाता हूँ। ये पिच है, यानी एक सुर से दूसरा सुर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, यानी सा से रे ऊंचा है, रे से ग ऊंचा है, ग से म ऊंचा है। यदि हम रे को सा मान कर गाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा सुर आगे बढ़ेगा, हम ग को सा मान के गाएंगे तो हमारा पिच हाई होगा। इसी प्रकार से हम यदि मंद्र नी को सा मान कर गाते हैं तो हमारा पिच लोअर होगा। तो ये नाद का ऊंचा और नीचापन। तीसरा आता है नाद की जाति, यानी नाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या तबला बजाकर नाद सुनाई दिया है, या आपको किसी के गाने से नाद सुनाई दिया है, या आपको सितार की ध्वनि जो है वो आपके कानों पर पड़ी, आपको ये पता है कि ये नाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से ये साउंड उत्पन्न हुआ है, तो वो नाद की जाति को जो है उसके बारे में बताता है, जिसको हम जो है टिम्बर कहते हैं। अब इस नाद का आनंद जो है विभिन्न प्रकार से लिया गया है, जिसमें कि हम आगे की अपनी श्रृंखला में आपको इसके बारे में और विस्तार से हम आपको बताएंगे। संगीत जो है वो आनंद लेने के लिए है, संगीत का जो सफ़र है वो आदिकाल से माना गया है, यानी जब मनुष्य धरती पर आया उससे पहले ही संगीत विद्यमान था, और देखिए किस प्रकार से संगीत आगे बढ़ता चला जा रहा है और हम उसका आनंद हर पल हर क्षण उठाते हैं।